हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एंड आज की वीडियो में मैं मैं कुछ अलग करने वाला हूँ मतलब कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ इस एस एम पी के अंदर यानी कि जो हमारा कुकुपुर एस एम पी है उसके अंदर मैं कुछ अलग बनाने वाला हूँ भाई सब सोच में यार पिछली वीडियो में ना ये इस घर को बनाते बनाते मेरी हालत डाउन हो गई और ये जो पास देख रहे हो मतलब ये जो थोड़ा सा ब्रिज टाइप बना रखा है ये बना रखा है मेरा भाई ने आ, पता नहीं क्यों बना दिया है अच्छा लग रहा है अभी इसको चेंज करेंगे बाद में और अच्छा बना देंगे फिलहाल अभी पिछली वीडियो में मैंने ये वाला घर बनाया था जो कि बहुत मेहनत लगी लेकिन मैंने बना दिया वाकई में बहुत ही कूल दिख रहा है पता नहीं क्या सैडर वगैरह होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता एक चीज मैंने नोटिस की है गाइस इसकी ये लोग ना अपना खुद का मतलब सब कुछ बना रहे हैं मतलब इन लोग का खुद का फार्म खुद का नेदर पोर्टल ये जो देख रहे हो छोटा सा घर है ना जहाँ पे वो स्पॉन हुआ तो उसमें है इसका नेदर पोर्टल और अभी तक मेरे पास डायमंड की कुछ चीज़ें नहीं आई आए। हैं आयरन की तो खैर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो प्रॉब्लम नहीं है आयरन की लेकिन मुझे डायमंड चाहिए आज तो मैं सबसे पहले आज जाने वाला हूँ डायमंड लाने और मैंने सोचा है कि गाइस आज मैं यहाँ पर जो ये मेरा पुराना वाला घर है इसको तोड़ के एक बढ़िया से पब्लिकली थोड़ा सा डिज़ाइनदार नैदर पोर्टल बना दिया जाए ताकि यहाँ पर जो जिन लोगों को जाना होगा अंदर मतलब नदर वर्ल्ड में जाना होगा वो आराम से यहाँ से जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के मतलब कोई उन्हें रोकेगा नहीं ये पब्लिकली होगा तो इसीलिए मैं सोच रहा था बना दो और भाई एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे ना शुगर फार्म कुछ ज़्यादा ही रेडी हो रहा है मतलब कुछ ज़्यादा ही शुगर हो गया है और अभी तक यहाँ पे कोई विलेजर्स नहीं लेकर आया है वहाँ उस तरफ से गाँव है तो वहाँ से कोई ले नहीं आया तो भाई ये गलत काम यार तो जितने भी यहाँ पे एस में मेंबर्स हैं भाई कोई तो जाओ यार लेके आओ भाई ओके गाइज तो सबसे पहले आप चल के सो लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रात होने आई है यहाँ पे देख सकते हो साइड तो अभी फटाफट सोते हैं और मैं सबसे पहले थोड़े बहुत डायमंड देखता हूँ इन लोग के पास होगा तो ले लूँगा क्योंकि मुझे एक ही चाहिए और बाकी के चीज़ें तो मैं आयरन से ही काम चला लूँगा फिलहाल चलो फटाफट सोते हैं और मेरे पास देख रहा हूँ मेरे को भूख भी लगी हुई है ऑल राइट गाइस तो यहाँ पे मुझे पहले सबसे पहले तो भूख लगी है मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ खाने का है भाई चलो ये मछली लगा देता हूँ पकने के लिए और ख़ुद खाते हैं चिकन आयरन पिक्स ले चल रहे हैं और एक सील ले लेते हैं सील वैसे काम आता नहीं है ज़्यादा तो छोड़ो तो ये ले लेते हैं और चावल भी जरूरत पड़ जाएगी और मेरे पास क्या है अब ये कहाँ से लाया था मैं खुद भूल गया मेरे पास दो डायमंड हैं तो मैं पिक्स एक डायमंड और मिल जाता तो मेरा पिक्स बन जाता और फिर गाय चलते हैं सबसे पहले ना मुझे बहुत सारा लाना सॉरी नहीं मुझे लाना है बहुत सारा तभी तो जाके बनेगा बहुत ही बड़ा वाला मैं सोच रहा होटल बनाने का कई फटाफट चलते हैं ये घर है कान्हा का कान्हा भाई साहब खाना वाना रखे हो यार ओह डायमंड डायमंडक्स रखा हुआ है मैं ले लू क्या इसके अंदर कौन डायमंड डायमंडक्स रखता है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इसके अंदर क्यों रखा हुआ है इसने ओके okay, इसने और कुछ नहीं रखा भाई मैं डायमंड पैकेट ले जा रहा हूँ गाइस देख रहा हूँ कितना कमाल का घर बना रखा है इसके आगे तो मेरी फुद्दू सी लग रही है लेकिन हाँ इसके मुकाबले बना रखा है मैंने भी और मैं टॉर्च लाना भूल गया तो सबसे पहले एक टॉर्च निकाल लो यहाँ से और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सर्वर यार ज्वाइन कर लो क्योंकि पांच मेंबर्स हो चुके हैं अभी सिर्फ बचा फिफ्टीन मेंबर्स के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसके बाद ट्वेंटी मेंबर्स के बाद लॉक कर दूंगा उसके बाद कोई भी अंदर नहीं आ सकता तो सो आपके पास मौका है अच्छा खासा तो ज्वाइन हो सकते हो अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए ओ, लावा और लावा कहाँ मिलेगा भाई लावा मिल जाएगा कहीं से ऑफिस मुझे चाहिए बहुत सारा और ये उठा लेता हूँ अभी ये मेरा अचीवमेंट भी नहीं हुआ हुआ यस क्योंकि मैं माइन करने निकला ही नहीं ना लावा की आवाज़ आ रही है कहीं तो है यहीं कहीं साइड में है और मुझे आवाज़ तो आ रही है लावा की पर कहाँ पे है ये नहीं मालूम है ओह आयरन आयरन ले लेते हैं काम आने वाला है बाद में ये किस तरह का आयरन है भाई सारे रॉ आयरन मिलेंगे मेरे ख्याल से मैं पिक्स को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ भाई मुझे चाहिए लावा 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 ओह यहाँ पे वाटर है एक मिनट गई ये रहा लावा और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शिडियन रेडी होके बैठे हैं मैं काम करता हूँ यहाँ से पानी हटा लेता हूँ ये हटेगा ऑल राइट हट गया हट गया चलो यहाँ से मुझे चाहिए बहुत सारा ऑप्शिडियन सबसे पहले एक चेक करेंगे इसके नीचे लावा तो नहीं है नहीं पता चला भाई मैं खुदता रह गया और लावा के नीचे गिर गया ऐसा सीन नहीं होने वाला तो इसलिए सेफ्टी सबसे से पहले है। देख लिया मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है अब यहाँ पे मैं पानी के अंदर बैठ के आराम से खुदाई करूँगा लावा मुझे टच नहीं कर सकता क्योंकि लावा जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिक बन जाएगा ऑप्शी आप समझ जाओ मेरी बात को और मैं इस किससे कर रहा हूँ माइन यार पागल हूँ इससे करना का इस तो मैं कुछ टाइम बाद मिलता हूँ क्योंकि टाइम तो लगने वाला है यहाँ पे बहुत सारा क्योंकि इसको माइंड मतलब इतना एक ऑप्सीडियन मुझे तोड़ने में बहुत टाइम मिलता है और यहाँ पे एडवांसमेंट भी मेरा पूरा हो गया क्या बात है और ये पानी मुझे इधर क्यों ढकेल रही है भाई क्यों ओके यहाँ से लेते हैं और यहाँ भी, भी रख देते हैं भाई पागल कर रखा पानी मुझे ढक के दे रहा है और मैं अभी पेड़ भी लगाना भूल गया तो पहले ऑप्सीडियन कलेक्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं यार लगा देंगे पेड़ वगैरह ओके okay गाइस तो मेरे पास 55 हो गए आई थिंक इतना इनफ होगा ओके गाइस चलो वो ऊपर चलते हैं थोड़े बहुत डायमंड मुझे चाहिए होगा यार तो मैं वो डायमंड दोबारा लेने वाला हूँ दो डायमंड क्योंकि मुझे एनचांटिंग टेबल भी बनाना है साथ ही तो आज मैंने सोचा है कि दोनों एक काम जो है ना ही दूँ आज ओके गाइस तो यहाँ पर मैं सब कुछ लेकर आ चुका हूँ एंड अब मैंने सोचा है कि गाइस सबसे पहले जो ये हमारे पास सैपलिंग पड़े हुए हैं इनको जाके ना ये जंगल पे लगा दूँ लेकिन अभी भी यहाँ पे एक धमाका हो गया क्रीपर भाई साहब हमारे आके फट गए तो उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर जो कि यहाँ पे आके फट गए लकड़ियों की जरूरत पड़ती रहती है तो इन सभी चीज़ों को मैं लगाता रहूँगा ताकि मेरे पास लकड़ियाँ जो है ना बहुत सारी होती रहें ओके गाइज तो एक और बचा है यहाँ पर लगाते हैं ये देखो हमारा ये जंगल जब रेडी होगा ना वाकई में इस विंडो से देखने पे बहुत ही कमाल का लगेगा आ, पत्थर में मैं सोच रहा हूँ ये सारे यूज कर लूँ क्योंकि मेरे पास स्टोन बहुत सारे हैं तो ये वाला जो स्टोन ब्रेक होगा ना वो आराम से मेरे पास मेरे से बन जाएगा तो थोड़े से ले लेते हैं ज़्यादा ही ले लिया इतना भी ज़रूरत नहीं है और एक क्राफ्टिंग टेबल उठा लेते हैं यहाँ से यही वाला उठा लेते हैं और थोड़े बहुत मुझे यार लैंटन बनाने हैं तो लेंटन बनाने के लिए मुझे चाहिए नगेट और हम थोड़े से लैंटर्न बना लेंगे बाकी की थोड़ी बहुत लकड़ियाँ उठा लेते हैं इधर से अगर काम लगी तो इनका यूज़ करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे ठीक है और लाइट और कुछ लेना है हमें आई थिंक इतना इनफ है तो चलो पब्लिकली जो हमारा बनने वाला है और हाँ मुझे एक एन्चांटिंग रूम जो है हमारा ये रेडी है इसके अंदर एचांटिंग टेबल जो है वो ला के इसके अंदर यूज करना है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है एंड अब जो है ना मैंने दो डायमंड इसके अंदर रखे हुए थे अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे ये दो डायमंड अभी हमें चाहिए और इनका क्राफ्टिंग टेबल यूज़ करते हैं आई थिंक think... ओके तो तीन ही चाहिए एक बुक चाहिए तो इनके पास बुक है क्या बुक नहीं होगे तो मैं बना सकता हूँ एक लेदर चाहिए आई थिंक एक लेदर और हमें थोड़े बहुत चाहिए शुगर केन जो कि सामने देख ही रहो पूरी दुकान हुई है ऊपर ऊपर का लेंगे आपकी किसी को शक ना हो कि मैंने उनका शुगर केन जो है चुरा रखा है कितना हो गया मेरे पास थर्टी वन बहुत है चलो सबसे पहले तो पेपर बनाना होता है अब शायद बुक की रेसिपी खुल गई होगी यस yes। तो गई चलो बुक हमारा रेडी हो गया अब बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से निका क्राफ्टिंग टेबल नहीं है एनचामटिंग टेबल है सॉरी तो हमारा जो एनचामटिंग टेबल है वो बिल्कुल रेडी हो गया है तो अभी हम इसको ले जाके अपने वाले घर में लगा देते हैं और फिर आके इस घर को तोड़ेंगे सुबह लेट्स गो गईस सुबह हो चुकी है और मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ अभी सिर्फ हमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी ये घर आप देख रहे हैं ये मेरा जो घर है इसको मैं तोड़ने वाला हूँ यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर कर दिया है तो अभी मेरे पास काफी ब्लॉक्स आ गए हैं लेकिन अभी सीन ये है कि रात हो गई लेट गई तो सुबह हो चुकी है एंड अब शुरू करते हैं अपना काम तो सबसे पहले आ, वन तो फिफ्टीन ब्लॉक का हम ऐसे लेने वाले हैं पूरा अभी पता नहीं होने वाला है कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा मैं बना रहा हूँ शायद फिफ्टीन ज़्यादा हो गया तो मुझे जाना चाहिए एलेवन पे तो वैसे ये एलेवन हो गया तो अभी एलेवन इधर भी जाना है तो वन हो चुका है टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये इलेवन गाइस इसके अंदर ना मैं ऐसी लकड़ियाँ भर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से स्टोन ब्रिक लगाने वाला हूँ और अंदर से जो है ऐसी लकड़ी मतलब वुड जो है उसको फिल करने वाला हूँ ऑल राइट तो अभी मुझे फिर से वही चीज़ करना है वन और गाइस फिर से वन ब्लॉक ऊपर जाना है और फिर से सेम ऐसे करना है इसके बाद आप नहीं जाएंगे ऊपर क्योंकि तीन ही ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको हटाओ यार टॉर्च को और हमारे पास खत्म हो गया क्या ओके निकारी है निकालने की आ, इसकी और इससे हम बना लेते हैं फटाफट स्टोन ब्रिक तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास काफी स्टोन ब्रिक हो गए अभी फटाफट हम फिल कर लेते हैं ओके तो अभी ना मैं पूरा इसका ही फिल करने वाला हूँ क्योंकि ऊपर से लगना चाहिए ये स्ट्रोंग है नहीं तो लकड़ी का थोड़ा हल्का लगता है देखने में और लाइट गेज तो अभी एकदम रेडी है बस अभी इसके साइड साइड में मुझे ये स्टेयर लगाने हैं तो फटाफट इसको लगा देते हैं फिर इसके बाद ना शुरू कर दें इसका ऊपर वाला काम लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारे स्टेयर भी बनाने हैं चलो तो मेरे पास दो तीन स्टैक हो गए हैं तो अगर इतने में काम नहीं होता तो मेरे पास और भी अवेलेबल हैं प्रॉब्लम नहीं है आराम से बन जाएंगे तो यहाँ पे साइड साइड में पहले ऐसे करना है और फिर से ऊपर जाके हमें सेम प्रोसेस करना है फिलहाल तो अभी सबसे पहले मैं ये तैयार करता हूँ और देखते हैं कि कितना स्पेस लेगा ये टोटल तो यहाँ से शुरू करते हैं ऑल आइडिया इस अभी ना मुझे इसके ऊपर जाना है लगभग ये कितने ब्लॉक हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ब्लॉक हैं तो मुझे जाना होगा कम से कम एट ब्लॉक वन टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव सिक्स फाइव आई थिंक बहुत है फाइव बाई फाइव का बनाते हैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे ओके okay, लग गई थोड़ी सी पर कोई दिक्कत नहीं है हम ऊपर चल रहे हैं और ये लास्ट भाई सारे टॉर्चेस ना चला जाए ओके गाइस तो यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा लुक आ गया है मतलब जो हमारा ये चीज़ का लुक है वो आने आने शुरू हो चुका है तभी हमें साइड साइड में सबसे पहले यहाँ पे ऐसे वन टू थ्री और इधर एक रखना है इधर एक रखना है फिर मुझे सेम इधर एक रखना है और एक इधर रखना है और इधर जो है उल्टा लगा देना है लाइक दिस और फिर इधर भी सेम ऐसे करना है मुझे यहाँ पे और सेम इधर भी ऐसे करना है ऑल राइट right तो ये हो गया रेडी ऊपर हमें जो है सबसे पहले एक ब्लॉक ऐसे रखना है और एक ब्लॉक ऐसे रखना है फिर इससे ही अटैच होते हुए ऐसे 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 करना है ताकि ये लुक दे थोड़ा सा और अभी इधर जो है फुल्ली हम रखने वाले हैं ऐसे अभी फिलहाल हमें जो चीज़ें बनानी हैं वो है कि ये इसको बना लेते हैं ढेर सारा और इससे हमें बनाना है ये वाले थोड़े से और बना लेते हैं चलो इस आई थिंक इतना इनफ है और भी छोटी मोटी चीज़ें हम बना लेते हैं सर जैसे प्लेंट एंड स्टील अभी हमें चाहिए होगा फिलहाल एंड हमें चाहिए चैन ओ चैन बनाने के लिए गाइस इन थोड़े से नगेट्स से ये होते हैं जो कि ये हैं अगर आप इनको यहाँ पे रखोगे तब आप क्राफ्टिंग टेबल के अंदर देखोगे तो आपको ये जो चैन है वो रेडी हो जाता है तो यहाँ से मैं थोड़े से चैन जो है निकाल लेता हूँ है, चार हैं और अभी मुझे जो बनाने हैं वो हैं लैंटन जो कि ये रहे और ये बनता है बहुत सारे इंगट से और एक बीच में टॉर्च रखने से गाइस मेरे पास चार टोटल हो गए और चार ये भी हैं तो काम बन गया हमारा ज़्यादा कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं तो इसको यहाँ पे रखो और अभी जो है ना एक ब्लॉक और लेके आना है इधर भी एक ब्लॉक और ले जाना है और उसके बाद इनको जॉइन कर देना है लाइक दिस और इधर भी ऐसे करना सेम हो गया और गई अब जो चैन की बारी है ना वो ये रही और हमें टॉर्च लेने हैं और इन चैन को मैं इधर लगाने वाला हूँ वन टू और एक ये थोड़ा सा लुक देगा मेरे ख्याल से मैंने टॉर्च ऑल राइड गई तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो अभी जो नीचे का इंटीरियर है मतलब कि हाँ वो रेडी हो चुका है अब इसको ऊपर जो है ना थोड़ा सा एक लुक देंगे हल्का सा एक ब्लॉक आगे ले लेते हैं यहाँ से और इधर से भी एक ब्लॉक आगे लेते हैं और फिर हम यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे एक प्लेस करेंगे फिर इसके बाद एक और इसके ऊपर और ये वाला जो ब्लॉक है वो हटा देना है तो अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करते हुए ना और एक ब्लॉक ऊपर रखना है उसके बाद एक और, और बीच में मैं सोच रहा हूँ सही है ओके अभी थोड़ा सा लुक दे रहा है मतलब हाँ लग रहा है अभी जब ये ऑन होगा तब इसका जो लुक है वो थोड़ा सा और भी खिल जाएगा तो फटाफट इसको ऑन करते हैं भाई साहब बन गया हमारा पब्लिकली नेदर पोर्टल जो कि बहुत ही कूल दिख रहा है पब्लिकली एक मैंने जो है नेदर पोर्टल बना दिया है और फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड हाँ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आप भी इस वर्ल्ड में आना चाहते हो तो 15 बंदों के लिए अभी भी, भी स्पेस खाली है फ़टाफट डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन किया जाता है तो आज की वीडियो के लिए इतना तो ही था फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग